किसान भाइयों, अगर आपके भी गेहूं की फसल में पीलापन आ रहा है और गेहूं की ग्रोथ कम हो रही है तो आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बेहद कम खर्च में गेहूं के पीलापन को दूर करने और गेहूं की रुकी हुई ग्रोथ को फिर से दुगनी तेजी से बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल के शुरुआती 25 से 40 दिन होते हैं, ये दिन बहुत ही ध्यान देने वाले होते हैं, क्योंकि इन दिनों में ही गेहूं में कल्ले निर्माण होते हैं और ये कल्ले जितने ज़्यादा होंगे पैदावार उतनी ही बेहतरीन निकलेगी। लेकिन यदि इन दिनों में गेहूं में किसी कारणवश पीलापन आ गया तो गेहूं में ज़्यादा कल्ले नहीं बन पाएंगे और इसका सीधा प्रभाव हमारी गेहूं की पैदावार पर पड़ेगा। वैसे तो गेहूं में पीलापन कई कारणों से होता है, लेकिन जो ज़्यादातर पीलापन आता है वह खेत में खाद की कमी और बेमौसम बारिश और इसी के साथ ज़्यादा मात्रा में खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करने से हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, समय पर इसका उपचार हमें करना बेहद जरूरी है। अगर गेहूं में पीलापन इन तीनों कारणों द्वारा हो रहा है तो किसान भाइयों, इसके लिए हमें प्रति एकड़ 250 ग्राम ग्लूकोज को एनपीके 19:19 के साथ मिलाकर तुरंत स्प्रे कर देना चाहिए। एनपीके 19:19 की मात्रा हमें 1 किलो प्रति एकड़ लेना चाहिए। ये दोनों ही गेहूं का पीलापन जल्द से जल्द रिकवर करने में काफ़ी मदद करेंगे। वहीं अगर आप चाहे तो इनके साथ किसी अच्छे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टॉनिक का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपके गेहूं में पीलापन आ रहे हैं तो एक बार इस स्प्रे को अवश्य अपनाएं। साथ ही इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।